क्योंकि एक तरफ जीत का जश्न है तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री सिराथू से अपनी सीट हार गए हैं। पल्लवी पटेल ने उन्हें 7,337 वोटों से हरा दिया है। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव हारना बहुत मायने रखता है क्योंकि 2017 की जीत में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इन्हीं का चेहरा सामने था। मुख्यमंत्री पद को लेकर इनकी महत्वाकांक्षाओं की हमेशा चर्चा होती थी। 2022 में क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, उसको लेकर भी कई बार कंफ्यूजन वाले बयान वो दे देते थे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त की, अपना चुनाव अपनी सीट ही हार गए हैं केशव प्रसाद मौर्य।